वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल रिकल। आज का ये वीडियो टॉर्ट सब्जेक्ट सीरीज का 7th वीडियो है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे वाइकेरियस लाइबिलिटी के बारे में। अभी तक हमने टॉर्ट की सब्जेक्ट सीरीज के अंदर क्या क्या पढ़ा है मैं बता देती हूँ। हमने इंट्रोडक्शन के 2 लेक्चर्स पढ़े, उसके बाद हमने 2 लेक्चर्स में जनरल डिफेंसेस को कंप्लीट किया, फिर हमने कैपेसिटी को पढ़ा कुछ ऐसे लोगों का जिनका स्टेटस डिफरेंट होता है, और उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में जॉइंट टॉर्ट फीजेस एंड इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजेस को डिस्कस किया। अब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वाइकेरियस लाइबिलिटी को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे कंटेंट का जो अपडेट है वो हाथ के हाथ मिलता रहे। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स हैं, तो अगर आप इन वीडियोज़ के या जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करती हूँ उनके नोट्स चाहते हो तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो हम वीडियो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है हमारी वाइकेरियस लाइबिलिटी पर। वाइकेरियस लाइबिलिटी होता क्या है? वाइकेरियस लाइबिलिटी का कंसेप्ट तब अराइज होता है जब कोई दो लोग आपस में इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, किसी भी तरीके के लीगल रिलेशनशिप में इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि किसी एक का जो गलत काम किया हुआ है वो दूसरे के ऊपर उसकी लाइबिलिटी आ जाती है, तब हम बोलते हैं कि भाई जो दूसरा बंदा है वो वाइकेरियसली लाइबल है फॉर द फर्स्ट पर्सन। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ केस लॉ के साथ, लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी का। तो हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर एक लेडी थी मिस लॉयड। इन्होंने क्या किया, इनके पास 2 घर थे। इन्होंने सोचा कि ये 2 घर बेचकर, क्योंकि उनका कुछ काम नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने कहा कि इन 2 घर को बेचकर कोई प्रॉफिट कमाकर किसी और काम में उनको लगाएं। तो इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने इस कंपनी को, डिपेंडेंट कंपनी को कांटेक्ट किया कि भाई मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दोनों घर बिकवा दो। अब इस कंपनी में उनको एक एजेंट मिला। उस एजेंट ने क्या किया, इनसे सेल डीड साइन करवाने की बजाय गिफ्ट डीड्स साइन करवा ली। अपने आप को वो दोनों प्रॉपर्टीज़ गिफ्ट करवा ली मिस लॉयड से, एक तरीके से फ्रॉड कमिट कर दिया। अब क्या हुआ, इन्होंने, मिस लॉयड ने इस कंपनी के खिलाफ केस किया। ऑफ कोर्स जब केस किया तो कोर्ट ने बेसिकली ये बोला कि भले ही कंपनी का कोई हाथ नहीं था इस पूरे एक्ट के अंदर, पर लेकिन फिर भी इस एक्ट के लिए जो कि एजेंट का था, कंपनी ही लायबल होगी, क्योंकि ऑफकोर्स जो एक्ट किया गया था वो जो उसकी एम्प्लॉयमेंट थी उसके दौरान किया गया था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट दिस एक्ट वॉज डन बाय द एजेंट, तो इनको जो कंपनसेशन मिलेगा वो बाय द प्रिंसिपल ही मिलेगा, मतलब कि जो डिफेंडेंट कंपनी है वो देंगी। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है वाइकेरियस लाइबिलिटी का, कि इवन इफ द मास्टर या फिर द प्रिंसिपल इज नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट, बट उनको हम फिर भी वाइकेरियसली लाइबल करते हैं। अब इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, पार्टनर्स, मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। बेसिकली हम वाइकेरियस लाइबिलिटी में 3 चीज़ें पढ़ते हैं, और साथ ही एक चीज़ और पढ़ते हैं जो कि है एक्ट ऑफ स्टेट। एक्ट ऑफ स्टेट के अंदर क्या है कि वो एक अलग अपने आप में कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से मैंने इस वीडियो के अंदर उसे कवर नहीं किया है, पर हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। वाइकेरियस लाइबिलिटी जो है वो इन 2 मैक्सिम्स पे बेस्ड है। इन मैक्सिम्स को पढ़ते हैं, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। इसका मतलब क्या है कि अगर जो एजेंट ने कोई काम किया है तो ऐसा माना जाएगा, ऐसा अज्यूम कर लेंगे हम अपने आप से ही कि वो एक्ट प्रिंसिपल ने ही किया है। एन एक्ट ऑफ एजेंट इज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। और दूसरा क्या है, रिस्पोंडिएट सुपीरियर। इसका मतलब क्या है कि जो लेट द प्रिंसिपल बी लायबल, अपन क्या करते हैं कि जो प्रिंसिपल है उसको लायबल कर दो, क्योंकि इसका अब आप लोग बोलोगे कि भाई इसका क्या फ़ायदा, जब भी ऐसे तो मैंने अगर किसी को नौकरी पे रखा और उसने कोई मिस्टेक कर दिया तो उसके मिस्टेक के चक्कर में मुझे पे करना पड़ेगा। तो ये लॉ क्या बोलना चाहता है, इस लॉ का बेसिक मोटिव ये है कि सोशल इक्विटी को प्रमोट कर पाए ये लॉ। जब हम बात कर रहे हैं कि एक वर्कर है और एक एम्प्लॉयर है, तो ऑफकोर्स
जो रिचनेस के बेसिस पे देखें या फिर सोशल स्टेटस के बेसिस पे देखें, ऑफ कोर्स एम्प्लॉयर का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द वर्कर। तो अगर हम वर्कर के ऊपर ही लाइबिलिटी डाल देंगे तो वो एक तरीके से उसकी सोशल कंडीशन और ज़्यादा वीक कर देगा। जब हम सोशल जस्टिस, सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो बेसिकली तब ये वाइकेरियस लाइबिलिटी का जो लॉ है, ये उस बेसिस पे अपने आप से वैलिडिटी लेता है। तो हम ये दो कंसेप्ट समझ चुके हैं कि वाइकेरियस लाइबिलिटी अपनी जो अपनी वैलिडिटी है वो कहाँ से लेता है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट से। प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप्स पहले समझ लेते हैं। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ा था कि जब कोई एक इंसान कोई दूसरा इंसान हायर करता है, पहला इंसान ए ने हायर किया एक दूसरे इंसान को जो कि है बी। हायर किस चीज़ के लिए किया? कि ऐसे काम करो, मतलब कि वो सब काम करो मेरी जगह पर जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं करना चाहता हूँ पर मैं किसी रीज़न से वहाँ जा नहीं पा रहा हूँ, या जो भी है। बेसिकली जब बेसिकली यहाँ पे जो रिलेशनशिप बनता है, अगर मैंने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी अपने काम के लिए, तो वहाँ पे रिलेशनशिप बनता है प्रिंसिपल एंड एजेंट का। जब कोई एक इंसान कहता है कि तुम मेरी जगह पर जाकर वो काम कर लो, तब वो होगा एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशनशिप। अब इसके अंदर वाइकेरियस लाइबिलिटी प्रूव करने के लिए हमें दो एलिमेंट्स प्रूव करने पड़ेंगे। पहला तो है एक्ट इज ऑथराइज्ड बाय द प्रिंसिपल। जो एक्ट की हम बात कर रहे हैं जिससे टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइज हुई, वो एक्ट प्रिंसिपल के द्वारा ऑथराइज्ड होना चाहिए, कि प्रिंसिपल ने ऑथराइज कर रखा हो उस एक्ट को। और दूसरी क्या है, एक्ट इज डन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज एजेंसी, कि जो एजेंट है वो उस एक्ट को कब परफॉर्म करे। पहला तो एक्ट जो ऑथराइज होना चाहिए बाय द प्रिंसिपल, और दूसरी चीज़ क्या है कि जो एजेंट है वो कब उस एक्ट को परफॉर्म करेगा। वो उस एक्ट को तब परफॉर्म करेगा जब वो एजेंसी के दौरान में हो। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपना जॉब का टाइम पीरियड ख़त्म कर कर कुछ रात में कोई ऐसा एक्ट कर दे जो कि जिससे टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइज हो जाए, तो हम उसके लिए भी प्रिंसिपल को लाइबल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ केवल तभी, वाइकेरियस लाइबिलिटी का कंसेप्ट केवल तभी लगाया जा सकता है जब एजेंट कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस में हो। अभी इसके अंदर जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी लगती है। हमने जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, और मैंने बताया भी था कि वहाँ पे मास्टर प्रिंसिपल एजेंट का जो रिलेशनशिप है उनको जॉइंट टॉर्ट फीजर्स कहते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप वो वीडियो देख सकते हैं, पर मैं यहाँ भी एक बार शॉर्ट में फटाफट से कंसेप्ट समझा देती हूँ। जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी का बेसिक मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई एक्ट होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके करते हैं, तो जिसके खिलाफ वो एक्ट हुआ है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे खिलाफ एक एक्ट हुआ है जिससे टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइज हुई है, तो मैं चाहूँ तो मैं उन दोनों को एक साथ भी सू कर सकती हूँ और एक ही रेमेडी कोई क्लेम कर सकती हूँ। तो वो हो गया जॉइंट लाइबिलिटी। और सेवरल लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि अलग अलग भी मैं उनको सू कर सकती हूँ और अलग अलग रेमेडीज क्लेम कर सकती हूँ। तो जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी की हम चाहे तो प्रिंसिपल से क्लेम कर लें, हम चाहे तो एजेंट से क्लेम कर लें, हम चाहे तो दोनों से क्लेम कर लें। सीधी बात ये है। अब अगला जो टॉपिक है वो है पार्टनर्स। पार्टनर्स के केस में वाइकेरियस लाइबिलिटी कब अराइज होती है? हम ये कहते हैं कि जब अगर एक पार्टनरशिप क्रिएट हुई है, मान लीजिए चार पार्टनर्स की एक पार्टनरशिप क्रिएट हुई है, उन चार में से किसी एक ने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिससे टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइज हो गई, तो क्या बाकी के तीनों लोग भी वाइकेरियस लाइबल होंगे? जी हाँ, बिल्कुल होंगे। वो तीनों लोग अपने पार्टनर के एक्ट के लिए वाइकेरियसली लाइबल होंगे। एक्ट कमिटेड बाय वन पार्टनर मेक्स ऑल लाइबल, ठीक है। और इसके अंदर भी जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी है। हम चाहे तो एक पार्टनर को सू कर दें, हम चाहे तो सबको सू कर दें, हम चाहे तो सबको अलग अलग सू कर दें, चाहे हम चाहे तो उन सबको एक साथ सू कर दें। सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल है। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि जिसके अंदर थोड़े से लूप होल्स भी निकल के आते हैं, इसी वजह से इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा भर जाते हैं। तो हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अब हम मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप के लिए पहला रिक्वायरमेंट है द पर्सन कमिटिंग द एक्ट मस्ट बी अ सर्वेंट। अब आप ये बोलोगे कि भाई जब तुमने पहले ही बोल दिया कि मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स उसमें एक मास्टर और एक सर्वेंट होना तो ज़रूरी है। पर लेकिन ये एसेंशियल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो डेफिनेशन आती है वो आती है सर्वेंट की, कि आखिरकार सर्वेंट है कौन, हम सर्वेंट किसे मानेंगे।
ठीक है, तो ये चीज़ हमें डिस्कस करनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर हमें वाइकेरियस लाइबिलिटी प्रूव करनी है मास्टर के ऊपर, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो इंसान उसके ड्यूटी उसके अंडर जॉब करता था वो उसका सर्वेंट था, ठीक है, कुछ और नहीं, कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर या फिर कुछ भी ऐसा नहीं कि बस आज के लिए हायर किया था, बकायदा सर्वेंट था, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कि सर्वेंट के अंदर दो चीज़ें आती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके सर्वेंट को हम दो तरीके के लोगों से कंफ्यूज कर सकते हैं, पहला तो जो कि एक्चुअली सर्वेंट होगा, और दूसरा क्या है, विद इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। इनके बीच में डिफरेंस समझते हैं कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का और सर्वेंट का क्या डिफरेंस है। वेल, सर्वेंट का क्या होता है कि जब भी कोई एक इंसान एक सर्वेंट रखता है, तो वो इन लॉ जो है एक ऐसे रिलेशनशिप में बंध जाता है जो जिसके अंदर जो सर्वेंट है उसको कंप्लीटली कंट्रोल करेगा मास्टर। कंप्लीटली कंट्रोल से मेरा मतलब ये है कि जो भी वर्क रिलेटेड चीज़ें होंगी उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें मास्टर सॉरी जो मास्टर है वो कंट्रोल करेगा सर्वेंट को। वेर एज जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, मास्टर ने हायर किया किसी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को, पर उसके अंदर ये नहीं होता है कि किस तरीके से वो वर्क करेगा, ये चीज़ भी मास्टर डिक्टेट करे, नहीं। सर्वेंट के अंदर क्या है, क्या काम करना है और कैसे करना है, दोनों चीज़ें मास्टर बताता है, पर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को बस ये बताया जाता है कि हमने ये काम करना है, कैसे करना है वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि अगर आप अपनी गाड़ी में एक ड्राइवर रखो, ठीक है, तो वो तो होगा आपका सर्वेंट, ठीक है, पर लेकिन अगर आप अपने घर से कहीं जाने के लिए मान लो कोई कैब बुलाते हो, तो उस कैब का जो ड्राइवर है वो आपके लिए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होगा, तो आप अपने ड्राइवर के लिए लायबल हो सकते हो, पर आप उस कैब ड्राइवर के लिए लायबल नहीं करे जा सकते, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था। और यहाँ इस रिलेशनशिप में वाइकेरियस लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए सर्वेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या है, टेस्ट। हम लोग टेस्ट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि सर्वेंट था भी या नहीं था वो इंसान, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या चलता था, पहले कंट्रोल टेस्ट चलता था कि ये देखते थे कि क्या जो मास्टर है वो सर्वेंट को कंट्रोल कर सकता है या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को कंट्रोल कर सकता है। मैंने इसी एग्जांपल से समझाया कि कंट्रोल कितना होगा, तो जनरली जो हमारे कॉमन लॉ के कोर्ट्स थे वो यही बोलते थे कि अगर कंप्लीट कंट्रोल है तो सर्वेंट है और इनकम्प्लीट कंट्रोल है तो सर्वेंट नहीं है। पर इसमें इशू क्या आया, इशू ये आया, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हो गए डॉक्टर्स, ठीक है, या फिर हो गई नर्सेस, एक हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स एंड नर्सेस। डॉक्टर्स एंड नर्सेस को हॉस्पिटल ये तो बता सकता है कि आपको ये करना है, आपको ये ऑपरेशन करना है, पर किस तरह से करना है ये नहीं बता सकता, वो ऑफ कोर्स डॉक्टर ही करेगा अपने हिसाब से। अगर हॉस्पिटल को इतना आता होता तो वो खुद ना कर लेता, ऐसा नहीं होता, तो वो डॉक्टर अपनी मर्जी से करेगा अपने हिसाब से। तो यहाँ पे इशू क्या आया कि अगर डॉक्टर अपने हिसाब से करे तो दैट मीन्स हॉस्पिटल का कंप्लीट कंट्रोल नहीं है, तो क्या होगा, वाइकेरियस लाइबिलिटी नहीं हो सकती। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए इस कंट्रोल टेस्ट से हटाकर हायर एंड फायर टेस्ट लगाया गया। यहाँ इस हायर एंड फायर टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जिस इंसान के पास किसी इंसान को जॉब पे रखने की और जॉब से निकालने की पावर है वो मास्टर होगा, और जिस इंसान को जॉब से कभी भी निकाला जा सकता है या रखा जा सकता है वो सर्वेंट होगा, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको टेस्ट समझ आ गए हों। अब अगली चीज, अगला पहला तो हमारा था कि सर्वेंट होना जरूरी है, अगला एसेंशियल क्या है, एक्ट मस्ट बी डन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि एक इंसान अपनी लाइफ में कर देता है, भले ही उसकी गलती, भले ही उसको किसी ने ना बोला, वो अपनी मर्जी से भी कर देता है। तो अगर ऐसा कोई एक्ट जो कि सर्वेंट अपनी मर्जी से कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है, क्या उस एक्ट के लिए भी हम मास्टर को लायबल कर सकते हैं? हर उस एक्ट के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है कि जो एक्ट होना चाहिए वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए। अब इसमें आगे पढ़ते हैं कि क्या है बेसिकली कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, कि या तो रॉन्गफुल एक्ट को ऑथराइज किया हो मास्टर ने,
या तो मास्टर ने अपने आप ही कह दिया कि भाई तू जाके ये अनऑथराइज काम कर, मतलब कि मैं मास्टर हूँ, मैंने एक सर्वेंट को बोला कि तुम जाके ये काम करो, तो यहाँ पे तो वाइकेरियस लाइबिलिटी डायरेक्ट आ जाए क्योंकि मैंने ही ऑर्डर दिया है अपने सर्वेंट को। और दूसरी चीज क्या है कि यार रॉन्गफुल एंड अनऑथराइज मोड, कि भले मेरा एक्ट वैलिड था पर लेकिन उसके लिए मैंने एक अनऑथराइज्ड मोड अपनाया कि मैंने अपने सर्वेंट को बोला कि भाई तुम जाके उस ऑफिसर को इतना इतना ब्राइब दे आओ ताकि वो मेरा वो काम करवा दे। अब वो काम तो वैलिड था जो मुझे करवाना था, पर लेकिन उसके लिए मैंने मोड क्या चूज किया, ब्राइब का। तो अब इस प्रोसेस में अगर सर्वेंट पकड़ा जाता है तो उस पर वाइकेरियस लाइबिलिटी लग जाएगी मास्टर की, मतलब मास्टर विल बी डायरेक्टली सॉरी वाइकेरियसली लाइबल। अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज और आती है कि अगर आप मुझसे पूछो कि दोनों सिचुएशंस के अंदर तुमने बोला कि ऑथराइज होना चाहिए, तो उन केसेस में क्या होगा जब ऑथराइज नहीं करता है मास्टर? उन केसेस के अंदर ये होगा कि जब मास्टर ने ऑथराइज नहीं किया है स्पेसिफिकली एक्ट, तो उन केसेस में हम ये देखेंगे कि जो सर्वेंट है वो जो काम कर रहा था क्या वो उसकी जॉब का एक्सपेक्टेड वर्क था? समझ रहे हैं? एक्सपेक्टेड वर्क, एक रिलेशनशिप भी बना सकते हैं अगर हम उस वर्क से, तो सर्वेंट ड्यूटी के अंदर था ये हम मान लेंगे। अब इसमें छोटा सा मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि सर्वेंट ने कोई ऐसा काम किया, मान लो मास्टर ने सर्वेंट को बोला कि तुम एक डील कर दो, अब उस डील के दौरान सर्वेंट को ऐसा लगा कि मेरी मास्टर की प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है इस डील के अंदर, तो उसने नॉर्मल फोर्स यूज करके उस डील को वहीं रोक दिया। अब यहाँ तो क्या हुआ, डील को रोकने की मास्टर ने पावर नहीं दी थी सर्वेंट को, पर लेकिन सर्वेंट ने अपनी मर्जी से अपने हिसाब से मास्टर के बेनिफिट के लिए डील को रोक दिया। अब यहाँ तक तो ठीक था, पर लेकिन अगर इस सिचुएशन में हम एक एलिमेंट और ऐड कर देते हैं कि सर्वेंट ने जब डील को रोका तो उस वजह से किसी तीसरे बंदे का नुकसान हो गया, तो क्या इस केस में हम सर्वेंट के एक्ट को ये कह सकते हैं कि वो मास्टर ने ऑथराइज किया था? क्योंकि ये चीज़ तो हम कह ही रहे हैं कि ऑथराइज नहीं किया था, तो हम वाइकेरियस लाइबिलिटी कैसे अप्लाई करेंगे? तो इस चीज़ में सीधा सीधा ये आता है कि क्योंकि सर्वेंट की एक ड्यूटी थी वो जॉब करना कि मास्टर की प्रॉपर्टी को सेव करे, तो इसलिए ये माना जाएगा कि जो सर्वेंट है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर्क कर रहा था। तो आई होप आपको ये वाइकेरियस लाइबिलिटी का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वो चीज़ भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। और अगर आप इस टॉपिक के या फिर किसी और टॉपिक्स के नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स हैं, उनको ज्वाइन करें एंड मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सो बाय।